सियासत और धर्म का हमेशा से चोली और दामन का साथ रहा है। बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती और राजनीति में धर्म की बात ना हो ये तो आज के वक्त में मुमकिन ही नहीं है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर धर्म की एंट्री ना हो तो मानो राजनीति सूनी सूनी सी लगती है। तभी तो एक समय में धर्म पर हावी रहने वाली राजनीति आज धर्म के सामने बौना सा दिखने लगा है। धर्म के प्रचंड होते स्वरूप ने मानो राजनीति और राजनीतिज्ञों की पूरी मनोदशा ही बदल कर रख दी हो। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि क्या बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती है? क्या राजनीति में धर्म को लाना जरूरी है? महज गेरुआ वस्त्र पहन लेने से ना तो कोई धार्मिक होता है, ना ही माथे पर तिलक लगा लेने से कोई धर्म का रक्षक बनता है। धर्म और धार्मिक होना किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत फैसला होता है। कौन कितनी बार पूजा करता है, कौन किस समय पूजा करता है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांट रही है उससे ऐसा लगता है कि भगवान ने बीजेपी नेताओं को धार्मिक सर्टिफिकेट बांटने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया हो। खैर, धर्म का सर्टिफिकेट बांटने वालों को कितना धर्म का ज्ञान है ये तो जग जाहिर है। लेकिन जब भरे मन से सपा के पूर्व विधायक ने बीजेपी को ऐसा धर्म का पाठ पढ़ाया कि बीजेपी के होश उड़ गए। अभी योगी जी एक यहाँ रुद्राष्टक पढ़ रहे हैं, पहला श्लोक भी नहीं पढ़ रहा, और उससे भी कठिन माना जाता है शिव तांडव श्लोक। शिव तांडव श्लोक आपके सामने रख दिया जाए तो आप उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। चटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्ब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम धमट डमट 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 निनाद वड्ड वर वयम चकार चंड तांडवम करो तुना शिवा शिवम जटा कटा समम ब्रह्मम ब्रह्मम प्रदीप प्रदीप जमी किलो जगत 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 जलो ललाट पट पाव के किशोर चंद शेखर नदी प्रति प्रामा। मैं चुनौती देता हूँ कि भाजपा के किसी नेता को आओ और इतना दोहरा करके दे। दरअसल आज जब मंच पर सपा के पूर्व विधायक ने माइक संभाला तो ऐसा लगा मानो उन्होंने बीजेपी को धर्म और राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाने की सोचकर ही आए हैं। गोलवरकर और सावरकर का नाम लेकर उन्होंने बीजेपी को ऐसा घेरा कि बीजेपी के होश उड़ गए होंगे। शिव तांडव के जरिए धर्म का पाठ पढ़ाने के बाद सपा नेता ने बीजेपी को राष्ट्र का धर्म भी पढ़ाया। हमसे ज्यादा हिंदू बताओगे? हम विवेकानंद के मानने वाले होंगे, हम गांधी के मानने वाले हिंदू हैं, हम डॉक्टर लोहिया के मानने वाले हिंदू हैं, हम नाथूराम गोडसे और गोलवलकर और सावरकर के मानने वाले हिंदू नहीं हैं। बहुत जिस सावरकर ने अंग्रेजों की जेल में माफीनामा लिख करके दिया था और उसमें लिखा था कि हुजूर हमको रिहा कर दिया जाए, जितने समय अंग्रेजी राज रहेगा इसकी सेवा करने का काम करेंगे, हमारे नेताओं ने माफी नहीं मांगी है। गौरतलब है कि भगवा चोला पहनकर बीजेपी सत्ता के अहंकार में डूबकर लोगों को हिंदू विरोधी बता रही है। कभी धर्म तो कभी राष्ट्र के नाम पर विरोधियों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है। तभी तो आज सपा विधायक ने भरे मंच से बता दिया कि जो व्यक्ति एक मंत्र तक नहीं पढ़ सकता वो हिंदू होने का मतलब समझा रहा है और अंग्रेजों से बार बार माफी मांगने वालों को अपना आदर्श और राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले को अपना आदर्श मानता है वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है। बहरहाल कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर लोगों को बांटने का ठेका लेने वालों को इस बार जनता सर्टिफिकेट देगी और बता देगी सिर्फ भगवा वस्त्र धारण कर लेने मात्र से न तो कोई धार्मिक बन जाता है, ना ही अंग्रेजों के सामने अपनी जान की भीख मांगने वालों को आदर्श मानने से कोई देशभक्त बन सकता है। बस इंतजार कीजिए 10 मार्च का, जब जनता अपना सर्टिफिकेट देगी और बता देगी कि असल देशभक्ति किसे कहते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वालों को उनकी असली जगह पहुंचाएंगे।